आइए देखने मजा आएगा। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो, मेरी बहुत तबीयत खराब है, कुछ करो प्लीज। लेकिन तुम्हें हुआ क्या है? मैं ना पिछले 5 दिनों से सो नहीं पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जब भी सो रही हूँ तो मुझे फार्म में बंदर फुटबॉल खेलते हुए नजर आ रहा है। तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे लिए अभी दवा लेके आता हूँ। अच्छा रुको, तो क्या हुआ? आज और रहने दो, कल लाना। क्यों? क्योंकि आज उनका फाइनल मैच है। ओ भाई, मारो मुझे। मैंने आपकी पिक्चर का प्रोमो देखा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। इनकी पिक्चर नहीं आ रही है, इनकी बुक आ रही है। हाँ, मैंने आपकी बुक का प्रोमो देखा, मेरे को बहुत। बुक का प्रोमो कहाँ होता है? बुक का ट्रेलर होता है कोई? तो मैंने ऐसा क्या देखा जो मेरे को अच्छा लगा? बेबी एक बात बताओ, रातों की नींद कब उड़ती है? जब किश्त के 2 दिन बाकी हो और अकाउंट में पैसे ना हो। कोई तुम दुख करवा दो। बड़ी अच्छी बात है। चले। अरे यार, दिमाग में ना बड़ी टेंशन हो रही है। यार आप भी ना बड़ी टेंशन लेते हो, मुझे देखो मैं कितनी चिल रहती हूँ। तुम्हारा सही है ना, ना दिमाग ना टेंशन। वही। बेटा ये लो स्कूल बैग, चलो। पापा मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। बेटा स्कूल रोज जाना चाहिए, पढ़ेगा लिखेगा तब ना बड़ी होकर डॉक्टर बनेगा। मेरी बेटी ना डॉक्टर नहीं बनेगी, बड़ी होगी ना इसको शादी कर दूंगी, हाउसवाइफ बनेगी। अरे कैसी माँ हो तुम, हर कोई चाहता है कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर बने और तुम चाहती हो कि मेरी बेटी बर्तन धोए। देख रहे हो ना न्यूज में क्या हो रहा है, वो भी तो बेचारी लड़की ही ना थी, उसके साथ दरिंदो ने क्या किया। भले ही मेरी बेटी बर्तन धोए लेकिन घर में रहे, मेरे आंख के सामने रहे। डॉक्टर बनना कोई बड़ा बात नहीं है, मेरी बेटी खाली सलामत रहे, यही एक माँ चाहती है, हर बेटी सलामत रहे, इससे बड़ा कोई बात नहीं है। मैं छाया तेरी। स्वीटी क्या ये देखो, तुम्हारे जीजा का फोन आ रहा है। जीजा जी का फोन है? नाम कैसे किया? जीजू। अच्छा आपको जलन क्यों होता है मेरे जीजा जी से? जब फोन करेंगे जब आपके अंदर जलन होगा। जलन क्यों नहीं होगा, दिन भर में 4 बार फोन क्यों करते? क्यों नहीं करेंगे, साली है तो फोन भी नहीं कर सकते हैं, तो आते नहीं है, दूर में रहते हैं तो फोन भी नहीं करेंगे। अच्छा? आप क्या चाहते हो? हम अपनी साली को दिन भर फोन करते हैं। बोलो मैं हूँ ना। तो उनकी घरवाली नहीं है क्या? है तो साली है तो फोन नहीं करेंगे। एक बात जान लो जी, तुम्हारे जीजा ना ठरकी आदमी है। अच्छा कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हैं आप, ठरकी है आप क्या हो? सुनिए ना। क्या है? मेरा पैसा जो दे दीजिए। कौन सा पैसा तुम्हारा भाई? अरे मेरे मायके में दिए थे ना आपको सब, मेरी मम्मी दी थी, मेरी बुआ दी थी, मेरी भाभी दी थी, भैया दिए थे 5500, टोटल पैसा की तो 4000 आपको पड़ा था। अच्छा तो वो गोले लगाए मुझे मिला ना भाई, दमाद का होता है वो। दमाद का कुछ नहीं होता है, वो आपको देता है इसलिए कि मैं नहीं लेती हूँ, तो आपको दे देता है कि मेरी बेटी को दे दीजिएगा, आपको नहीं मिलता है। अच्छा हाँ। मतलब तुम्हारे मायके से मिला वो पैसा भी तुम्हारा हो गया, अब मेरा पैसा भी तुम्हारा, तो मेरा क्या है? कुछ नहीं, सब मेरा है। कितना मेकअप चपोती हो यार, है? अब वो क्या प्रॉब्लम है यार? प्रॉब्लम? हाँ? अरे यार तुम लड़कियां ना शादी के पहले बोलती हो ना, मैं तो ऐसे लड़के से शादी करूंगी ना जो मेरे मुंह से नहीं मेरे रूह से प्यार करे। अच्छा हाँ, हाँ लेकिन कसम तो से दिक्कत क्या? दिक्कत तो ये है ना कि वही लड़की मुंह धो के अगर आ जाए ना लड़के के सामने तो लड़के की रूह फड़फड़ा के निकल जाए। मेरे दिया बोल रहे क्या? नहीं तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा हूँ। बोलो मत करना। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। एसवीटी क्या तुम्हारा बर्थडे आने वाला है ना? हाँ आने वाला है। तो तुमको क्या गिफ्ट चाहिए? आपका किडनी चाहिए। मेरा किडनी? आपके पास तो पैसा वैसा है नहीं एक चमानी, मुझे सपना आईफोन किनने का, तो आपका किडनी बेचेंगे तो ना आईफोन लेंगे। मिलेगा किडनी? वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय।